नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवीय। आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। शासन का बिल्डोजर गरीबों पर चलाने की पूरी तैयारी। मकसूदनगर 7 मार्च 2024 नगर पालिका परिषद ने दिए मात्र 24 घंटे। मकसूदनगर में 17 बीघा सरकारी जमीन पर गांव वालों के लिए बस स्टैंड बनाने की सरकारी योजना निकाली गई। लोगों में काफी खुशी देखी गई। अब उन्हें बसों के लिए एक स्टैंड मिलेगा। बसों को खड़ा करने के साथ आसपास दुकानें, लॉज, होटल्स जैसी सुविधा भी मिलेगी। नगर पालिका का ये सराहनीय फैसला है, मगर कहते हैं ना कि पूंजीपति के आगे सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। 17 बीघा जमीन पर नहीं बल्कि 8 बीघा जमीन गांव के पूंजीपति ने कब्जा कर मकान दुकान सब बना लिए। करीब 5 पर खेती की जा रही है। बाकी बची 4 बीघा कुशवाह समाज दंपत्ति ने कब्जा कर उस पर मंदिर बना लिया। नगर परिषद CMO पर कुशवाह फैमिली ने लगाए गंभीर आरोप। नगर परिषद और पूंजीपति मिलकर कुशवाह समाज के पास जो 4 बीघा जमीन है उसी को खाली करवा रहे हैं। मंदिर परिसर और उसमें लगे तमाम पेड़ को हटाने को योजना बना रहे हैं। जब कब्जा 17 बीघा पर है तो सिर्फ मेरी जमीन पर ही अतिक्रमण क्यों दिखाई दे रहा है? इंसाफ करना है तो पूरी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए। बात उनकी भी सही है। जब कलेक्टर ने 17 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है तो गरीब की 4 बीघा जमीन ही CMO साहब को क्यों चाहिए? सवाल ये उठता है, क्या नगर परिषद के पूंजीपति से सरकारी जमीन लेने में सक्षम नहीं है, या कहानी कुछ और है? सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अंदर की सेटिंग है, पूंजीपति कुशवाह दंपति की 4 बीघा जमीन को बस स्टैंड के नाम पर अतिक्रमण मुक्त करवा कर वह निगम द्वारा भविष्य में बनने वाली दुकान को अपने नाम से करवा लेंगे, जिससे उनको कारोबार मिल जाएगा और गरीब लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने बताया ये पूंजीपति और नगर परिषद का मिलकर रचा गया खेल है, जिसमें नगर परिषद के अधिकारी और पूंजीपति राजनीतिकारों का ऐसा माया जाल है जिसमें उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण पक्के मकान उनमें में रहने वाले लोगों को सहारा लेकर सरकारी जमीन खुद की रहे और गरीब दंपत्ति जो अपनी जीविका फूल सब्जी बेचकर गुजार रहे उन्हें हटाकर बस स्टैंड पर बनने वाला मार्केट भी उनका हो जाए। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये बात अलग है, गरीबों की साथ ही BJP सरकार आंख मूंद कर तमाशा देख रही है। अब देखना है इंसाफ कैसा होता है। 17 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा जो कलेक्टर का आदेश है, या निगम द्वारा मांगी गई बस स्टैंड के लिए 8 बीघा से हटाया जाएगा, या सिर्फ कुशवाह दंपत्ति की 4 बीघा पर ही बुलडोजर चलेगा। देखिएगा ये खास खबर। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो 2021 से हमारा परिवार उसमें लगा हुआ है, जिसमें हमारा केस भी कोर्ट में चल रहा है। 2021 में एक तरफा कार्रवाई करके हमें बेरोजगार घर से बेघर कर दिया गया था कोरोना काल की स्थिति में, और आज भी हमारे साथ वही स्थिति है। यहाँ पे सब पैसों के सांठगांठ से सब अधिकारी कर्मचारी, जहाँ नगर अध्यक्ष जो बने हुए हैं उनके इशारों पे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे चलती हैं, और वो बहुत पूंजीपति लोग हैं जो हमको रात दिन परेशान करते हैं, अधिकारी कर्मचारियों से परेशान करवा रहे हैं और मारने की भी हमें जहाँ से धमकी देते हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम को मरवा दिया जाएगा, ऐसी हमको यहाँ पे धमकी दी जाती है। हमारा निवेदन है कि यहाँ शासकीय 17 बीघा जमीन है जो दबंगों के कब्जे में है, सबसे मुक्त कराई जाए और बिल्कुल निर्माण बस स्टैंड का करवाया जाए। अगर आश्रम की जमीन आपको नहीं, आप नहीं छोड़ सकते हो, एक आश्रम को नहीं छोड़ सकते हो, वहाँ अयोध्या में अरबों रुपये के निर्माण से अयोध्या का निर्माण राम जानकी का हुआ है, वहीं राम जानकी आश्रम यहाँ बना हुआ है जिसकी हम 50 वर्षों से सेवा पूजा अर्चना करता हमारा परिवार चला रहा है, कुशवा समाज चला रहा है। अगर उसको आप नहीं छोड़ते हो तो बिल्कुल आप 17 बीघा खाली शासकीय जमीन करवा लीजिए, नहीं तो ये कुशवा समाज आप विरोध करेगा और ये कुशवा परिवार यहीं आत्मदहन करेगा। ये शासन प्रशासन यहाँ के लोग सांठ गांठ करते हैं, ना हमारी FIR सुनी जाती है और ना हमारा कोई निवेदन आवेदन यहाँ पे सुना जाता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।